अब हम देखेंगे कि डैशबोर्ड जो है एक्सेल में क्या चीज होती है। इन एक्सेल अ डैशबोर्ड रेफर्स टू अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा दैट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ की इंफॉर्मेशन मैट्रिसेस एंड ट्रेंड्स इन अ कंसाइज एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। इट इज टिपिकली डिजाइंड टू प्रेजेंट डेटा इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट सच एज चार्ट्स tables and graphs, making it easier for users to analyze and understand complex data sets. Dashboard जो होते हैं वो एक graphical representation होती है जिसमें charts, tables, graphs और जो है different जो graphical formats हैं उनको use करके जो है represent किया जाता है data set को, और ये इनकी information के overview के लिए और ये क्विक ओवरव्यू के लिए यूज होते हैं ताकि आप जो है वो क्विक डिसीजन ले सकें। डैशबोर्ड्स मैनेजरियल स्टाफ को क्विक डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करते हैं। अब ये हमारे पास एक डेटा सेट मौजूद है जो कि रेवेन्यू का डेटा सेट है और जिसमें जो मुख्तलिफ आइटम सेल हुई हैं उससे रिलेटेड जो डेटा सेट हमारे पास मौजूद है। अब इसके अकॉर्डिंग हम डैशबोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं और डैशबोर्ड जो है उसमें हम रेवेन्यू से रिलेटेड जो है डाटा जो है उसको शो करना चाहते हैं। तो हम वन बाय वन रेवेन्यू को डिफरेंट ऑर्डर ईयर के हवाले से, डिफरेंट आइटम्स के हवाले से और डिफरेंट प्रायोरिटीज के हवाले से हम जो है डैशबोर्ड को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हम ये पहले डाटा सेट को देखते हैं। हमारे पास जो डाटा सेट मौजूद है इसमें डिफरेंट रीजन हैं जिसमें जो मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, एशिया, सब सहारन अफ्रीका, यूरोप और इस तरीके से मुख्तलिफ रीजन हैं। कंट्रीज हैं सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम जो है सी, इसमें आइटम्स हैं जो कि आइटम सेल हुई है, रिप्रेजेंटेटिव नेम है डी कॉलम में जिसका मतलब यह है कि जो सेल्स मैन है जिन्होंने ये सेल की है वो उनके नेम्स हैं। उसके बाद चैनल्स हैं सेल के चैनल्स, उसमें ऑफलाइन भी सेल हुई है, ऑनलाइन भी सेल हुई है। इसके बाद एफ कॉलम में ऑर्डर प्रायोरिटी है जिसमें एम फॉर मीडियम प्रायोरिटी, सी फॉर क्रिटिकल प्रायोरिटी, एच फॉर हाई लेवल प्रायोरिटी और एल फॉर लो प्रायोरिटी। और उसके बाद ऑर्डर डेट है, किस डेट को ऑर्डर किया गया है, ऑर्डर आईडी है, शिप किस डेट को हुआ है, वो जो रिस्पेक्टिव जो मटेरियल है, जो रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट है वो कब शिप हुआ है। उसके बाद यूनिट सोल्ड है, यूनिट प्राइस का है कॉलम, आगे यूनिट कॉस्ट है, टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू जो है वो प्रोडक्ट है, यूनिट सोल्ड बाय यूनिट प्राइस। उसके बाद टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कितनी है, यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट। टोटल प्रॉफिट का कॉलम है, टोटल प्रॉफिट कैसे काउंट किया गया है, वो डिफरेंस होता है टोटल रेवेन्यू का और टोटल कॉस्ट का। और ऑर्डर ईयर है और ऑर्डर मंथ है, ये जो दोनों कॉलम्स हैं, ये दोनों कॉलम जो है डाटा एक्सट्रैक्ट किया है ऑर्डर डेट में से, जिसमें से ऑर्डर ईयर सेपरेट किया गया है और ऑर्डर मंथ सेपरेट किया है। अब हम सबसे पहले इसमें देखेंगे रेवेन्यू बाय ईयर। रेवेन्यू फाइंड करने के लिए, इसको चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसको पहले जो है पिवट टेबल में कन्वर्ट करना है और पिवट चार्ट क्रिएट करना है। उसके लिए किसी भी सेल पे मैं क्लिक करके इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और पिवट टेबल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो पिवट टेबल की रेंज पूछ रहा है और मैं इसको नई वर्कशीट पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ओके पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये पिवट टेबल के लिए वर्कशीट ओपन हो जाएगी। इसमें अब हमने देखना है रेवेन्यू बाय ईयर, तो यहाँ पे मैं ऑर्डर ईयर जो है इसको रोज में प्लेस कर देता हूँ और टोटल रेवेन्यू जो है इसको मैं वैल्यूज में प्लेस कर देता हूं। तो मेरे पास अगर मैं इसको जूम करूं तो ये हमारे पास जो है पिवट टेबल में रो लेबल्स में ईयर्स आ रहे हैं और सम ऑफ टोटल रेवेन्यूज में ये रेवेन्यू शो हो रहा है। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इस डेटा सेट का चार्ट क्रिएट करना चाहता हूं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद रिकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक करें तो आपके पास ये इंसर्ट चार्ट वाली ऑप्शन आ जाती है। इसमें मुझे लाइन चार्ट चाहिए तो लाइन पे क्लिक करके मैं ओके पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये चार्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब मेरे पास ये चार्ट क्रिएट हो गया है। अब इसमें मेरे पास जो ये बटन्स वगैरह हैं मौजूद हैं, ये लेजेंड्स हैं और ये इसमें ये ईयर्स बता रहा है और ये हमारे पास सम ऑफ रेवेन्यू आ रहा है। अब इसकी हम फॉर्मेट की कुछ सेटिंग करते हैं। अगर मैं कह दूं यहाँ पे मुझे एक्सेस टाइटल चाहिए, अब इसको बोल देता हूँ ये ईयर है हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग जो है मेरे पास रेवेन्यू है। और अब मैं अगर ये चाहता हूं कि यहां से लेजेंड को मैं खत्म कर दूं तो यहां पे लेजेंड को अनक्लिक कर देता हूं तो ये लेजेंड हमारा चला जाएगा। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो टोटल रेवेन्यू का बटन है और ऑर्डर ईयर का है इस पे क्लिक करके इसको मैं हाइड कर दूं तो इस पे राइट क्लिक करूंगा तो हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट आएगा, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे बटन जो है वो हाइड हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं
इसको कलर देखना चाहता हूँ या स्टाइल चेंज करना हो चाहता हूँ, तो ये ब्रश है इसके साथ शो हो रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो मैं स्टाइल और कलर चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इसको ये कलर देना चाहूँ या इसको डिफरेंट स्टाइल और मैं देना चाहता हूँ, ये स्टाइल दे दूँ या ये वाला स्टाइल, अब ये स्टाइल अगर मैं क्लिक कर दूँ, इस पे क्लिक कर सकता हूँ तो ये मेरा स्टाइल इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब किसी भी कलर पे आप क्लिक करके आप कलर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इस कलर पे क्लिक करके अब मैं इस कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके जी, अब ये मेरे पास कुछ इस तरीके से फॉर्मेट जो है मौजूद है। अब मैं ये चाहता हूँ कि नंबर फॉर्मेट जो है ये काफी ज्यादा डिजिट्स इसमें मौजूद है, मैं इसको शॉर्ट डिजिट्स में और जो मिलियन और बिलियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं इन डिजिट्स पे क्लिक करूंगा, इन डिजिट्स पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा लेबल्स पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे नीचे शो हो रहा है नंबर्स। नंबर्स पे क्लिक करने के बाद कैटेगरी पे क्लिक करूंगा तो जनरल की बजाय यहाँ पे मैं कस्टम पे क्लिक करता हूँ, तो कस्टम पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जब कस्टम पे क्लिक किया तो मेरा ऑटोमेटिकली जो है ये फॉर्मेट सेट है। इस पे मैंने कस्टम पे क्लिक किया तो मेरा फॉर्मेट जो है ऑटोमेटिकली ऐड हो गया और मेरे पास ये जो डिजिट्स हैं वो लेंथी डिजिट्स की बजाय, लेंथी नंबर्स की बजाय मेरे पास एक शॉर्ट और स्पेसिफिक जो मिलियंस की फॉर्म में है वो नंबर्स शो हो रहे हैं। ये मेथड है जिसके जरिए से अब ये हमने जो चार्ट क्रिएट किया है, अब इसको मैं नाम देता हूँ क्योंकि रेवेन्यू बाय ईयर से है। अब ये चार्ट है, अब इसका मैं हेडिंग देना चाहता हूँ कि ये किस हेडिंग से इसको मैं सेव करूं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेवेन्यू बाय ईयर। इस शीट को भी मैं डबल क्लिक करके नाम दे देता हूं रेवेन्यू बाय ईयर। अब इस मेथड के जरिए से हमने रेवेन्यू बाय ईयर का जो लाइन चार्ट है वो क्रिएट कर लिया है। अब हम इस डेटा सेट की हेल्प से हम रेवेन्यू बाय ईयर और बाय रीजन का जो है लाइन चार्ट क्रिएट करेंगे। लाइन चार्ट के लिए हमें इस डेटा सेट को पिवट टेबल में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हम किसी भी सेल को सिलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद या रेंज और न्यू वर्कशीट पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पिवट टेबल के लिए नई वर्कशीट ओपन हो जाएगी। इसमें अब मैं रेवेन्यू को देखना चाह रहा हूँ बाय ऑर्डर ईयर, तो ऑर्डर ईयर को रोज में और रेवेन्यू जो है वो मेरा सम ऑफ वैल्यूज में आ जाएगा। और मैं किसके अकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ, रीजन्स के अकॉर्डिंग। अगर रीजन्स को मैं कॉलम्स में ले जाऊं तो मैं ये देख सकता हूं कि मेरे पास जो पिवट टेबल क्रिएट हुआ है उसमें रो लेबल जो है वो ईयर्स आ गए हैं और टोटल रेवेन्यू जो है वो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं और जो रीजन्स हैं वो हमारे पास कॉलम्स में वैल्यूज आ गई हैं। अब 2010 में एशिया में ये वाली ये है हमारा जो रेवेन्यू, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और ओशिएनिया में ये है, सेंट्रल अमेरिका में ये है, यूरोप में ये है, मिडल ईस्ट में ये है, नॉर्थ अमेरिका में ये है, सब सहारन अफ्रीका में ये है और ग्रैंड टोटल इन सभी का ये मौजूद है। इसी तरीके से रिस्पेक्टिव ईयर में ये सारा रेवेन्यू जो है रिस्पेक्टिव रीजन का मौजूद है। अब हम क्रिएट करते हैं इससे लाइन चार्ट, सेलेक्ट करेंगे इसको, इंसर्ट पर क्लिक करके रिकमेंडेड चार्ट पर क्लिक करेंगे और लाइन चार्ट पर क्लिक करने के बाद जब मैं ओके करता हूँ तो ये मेरा लाइन चार्ट क्रिएट हो गया है। अब इस लाइन चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे रीजन्स मौजूद हैं और यहाँ पे जो है हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है, ये ईयर्स हमारे पास आ रहे हैं। अगर इसमें देखें तो सब, अब इस लाइन पे अगर आप होवर करते हैं तो आपके पास सब सहारन अफ्रीका का पॉइंट आता है जो कि 2012 में इसका हाई रेवेन्यू है। उसके बाद जो है आप येलो लाइन पे आए तो यूरोप का है 2014 का जिसमें हाई रेवेन्यू है, और इसी तरीके से ये डिफरेंट लाइन जो हैं इन कलर्स के अगेंस्ट जो हैं वो रेवेन्यू को शो कर रही हैं। अब अगर हम इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे, अब मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि इसमें लेजेंड्स ना हो, तो इसके लिए मैं लेजेंड्स को अनक्लिक कर दूंगा तो लेजेंड्स गॉन आउट। अब ये लेबल बटन जो है मैं इसको हाइड करना चाहता हूं तो हाइड ऑल फील्ड बटन फ्रॉम चार्ट। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो है नंबर्स इनका मैं फॉर्मेट जो है वो चेंज कर दूं। फॉर्मेट एक्सिस पे क्लिक करने के बाद नंबर्स पे जब मैं कैटेगरी में कस्टम पे सिलेक्ट करूंगा तो ये फॉर्मेट ऑटोमेटिकली जो है वो मेरा चेंज हो जाएगा। अब यहां पे अगर मैं चार्ट में एक्सिस ऐड करना चाहता हूं तो प्लस वाले साइन पे क्लिक करके एक्सिस टाइटल पे क्लिक करूंगा और एक्स वाई एक्सिस पे जो हमारे टाइटल होंगे वो मैं टाइटल दे दूंगा। अब यहां पे जो है मेरे पास इयर्स हैं और ये जो है टाइटल इसका क्या है मेरे पास रेवेन्यू।
ये हमारा लाइन चार्ट ईयर और रेवेन्यू के रिस्पेक्टिव रीजन्स के हिसाब से क्रिएट हो गया है। हम इसको शीट को नाम दे देते हैं रेवेन्यू बाय ईयर एंड बाय रीजन। अब हम रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को रीजन्स के रिस्पेक्टिव्स में चेक करते हैं, तो उसके लिए पिवट चार्ट क्रिएट करेंगे। पिवट चार्ट के लिए हमें पहले डाटा सेट को पिवट टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेल को सिलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद ओके। अब यहाँ पे हम रीजन्स को देखना चाहते हैं, तो रीजन्स को हम रोज में ले जाएंगे, और यहाँ पे हम टोटल रेवेन्यू चेक करना चाहते हैं, तो वो टोटल रेवेन्यू वैल्यूज में आ जाएगा और टोटल कॉस्ट भी वैल्यू में आ जाएगी। अब इसके बाद हम पिवट चार्ट क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए डेटा सेट को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करने के बाद कॉम्बो चार्ट पे क्लिक करेंगे। कॉम्बो चार्ट पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करते हैं, तो मेरे पास ये जो है चार्ट जो है क्रिएट हो गया है। कॉम्बो चार्ट किसका? रेवेन्यू का और कॉस्ट का। अब अगर मैं यहाँ पे इसको चार्ट को फॉर्मेट चेंज करना चाहूँ तो क्या करूँगा? प्लस के साइन पे क्लिक करके यहाँ पे मैं एक्सिस टाइटल ऐड करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं चार्ट टाइटल ऐड करना चाहता हूँ, डाटा लेबल्स ऐड करना चाहता हूँ और लेजेंड्स को यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ, तो लेजेंड्स को अनक्लिक कर दूंगा। उसके बाद ये बटन जो है इनको मैं हाइड करना चाहता हूं, तो एक बटन पर राइट क्लिक करेंगे और हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपके पास जो डाटा सेट जो मौजूद है इसमें आप चार टाइटल ऐड कर सकते हैं। चार टाइटल ऐड करने के लिए इस पे मैं लिख देता हूं रेवेन्यू एंड कॉस्ट बाय रीजन्स। इसमें जो डाटा लेबल्स जो हैं इनको मैं शॉर्ट फॉर्म में करना चाहता हूं फॉर्मेट, तो क्या करूंगा? डाटा लेबल्स पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डाटा लेबल्स, और नंबर्स पे क्लिक करने के बाद आप इसको कस्टम पे जब क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्मेट जो है ऑटोमेटिकली जो है जो मिलियंस वाले नंबर्स हैं उनमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं ये जो लाइन चार्ट है इसके नंबर्स को भी फॉर्मेट कर सकता हूँ। नंबर्स पे जाऊंगा और जनरल पे क्लिक करके इसको कस्टम पे जब क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास डेटा लेबल्स जो हैं वो मिलियंस में ओके कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसी तरीके से मैं ये जो डेटा लेबल्स हैं इनको करना चाहता हूँ फॉर्मेट, तो इसको भी फॉर्मेट पे क्लिक करके नंबर और कस्टम इनको जो कैटेगरी दूंगा तो ये भी मेरे मिलियंस में चेंज हो जाएंगे। अब एक्सेस टाइटल देते हैं। एक्सेस टाइटल में ये जो हमारे पास वाई एक्सेस के अलॉन्ग है, एक्सेस टाइटल में हमारे पास ये वाई एक्सेस पे रेवेन्यू है, एक्स एक्सिस पे जो है वो हमारा रीजन्स है। इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, सॉरी यहां पे टाइटल में मिस्टेक है। एंड हम इसको नेम दे लेते हैं इस शीट को रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट बाय रीजन। ये हमारा कॉम्बो चार्ट क्रिएट हो गया रेवेन्यू और कॉस्ट का बाय रीजन्स। अब हम देखना चाहते हैं रेवेन्यू बाय ऑर्डर प्रायोरिटी, तो उसके लिए क्या करेंगे? किसी भी सेल को सिलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद अब यहां पे हम रोज में रखेंगे ऑर्डर प्रायोरिटी, और हम रेवेन्यू देखना चाहते हैं इसके अगेंस्ट, तो रेवेन्यू को हम वैल्यूज वाले जो फील्ड है उसमें प्लेस कर देंगे। अब यहां पर हमारे पास रो लेबल्स में हमारे पास जो ऑर्डर प्रायोरिटी आ रही है और वैल्यूज हैं हमारे पास टोटल रेवेन्यू की। इस डाटा सेट को सिलेक्ट करते हैं, डाटा सेट को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद रिकमेंडेड चार्ट। अब हम इसके लिए पाई चार्ट जो है क्रिएट करना चाहते हैं, 3D पाई चार्ट क्रिएट करेंगे। 3D पाई चार्ट पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो यू कैन सी हमारे पास ये पाई चार्ट क्रिएट हो गया है। इसको फॉर्मेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, चार्ट टाइटल ऐड करना है हमने वो मौजूद है पहले ही, डेटा लेबल्स ऐड करना चाहते हैं और लेजेंड्स को रिमूव करना चाहते हैं तो लेजेंड्स पे अनक्लिक कर दें। टोटल रेवेन्यू वाला जो बटन है इसको हाइड कर देता हूं मैं यहां से, इस पे मैं क्लिक करके इसको एडिट कर लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं जी रेवेन्यू बाय ऑर्डर प्रायोरिटी। और अब ये मैं जो रेवेन्यू है इसके नंबर्स को फॉर्मेट करना चाहता हूं तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा लेबल्स पे क्लिक करेंगे। नंबर्स पे क्लिक करने के बाद जब हम इसको कस्टम पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली ये जो है ऑर्डर
प्रायोरिटी में जो ये डाटा लेबल्स हैं वो मिलियंस की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ इन नंबर्स को, और इनका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब ये जो हमारे पास पाई चार्ट क्रिएट हुआ है इजी टू अंडरस्टैंड है, और ये पाई चार्ट खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पे इसका मैं शीट का नेम चेंज कर देता हूँ, रेवेन्यू बाय ऑर्डर प्रायोरिटी। अब हमारे पास इस डेटा सेट में डिफरेंट कंट्रीज की लिस्ट मौजूद है जिसके अगेंस्ट जो हैं ये आइटम्स जो हैं वो सोल्ड हुई हैं। अब हम इन डिफरेंट कंट्रीज के अगेंस्ट जो है रेवेन्यू चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम चार्ट क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम किसी भी सेल को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, और ओके पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम चूंकि देखना चाहते हैं कंट्रीज के अगेंस्ट रेवेन्यू, तो उसके लिए हम कंट्री को रोज में प्लेस कर देंगे और जो टोटल रेवेन्यू है उसको हम वैल्यूज में प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे जो पिवट टेबल है इसमें देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कंट्रीज जो है वो रो लेबल्स में शो हो रही हैं, और उनके अगेंस्ट जो रेवेन्यू है टोटल रेवेन्यू वो जो है आपके पास वैल्यूज में शो हो रहा है। अब इसका हम चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस पे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, रिकमेंडेड चार्ट। अब मैं यहाँ पे कॉलम चार्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, आप प्रीव्यू यहाँ पे नीचे चेक कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो कॉलम चार्ट क्रिएट हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ कंट्रीज जो है आप देख सकते हैं। अब मैं इसको फॉर्मेट करता हूं, चार्ट टाइटल जो है इसको दे देते हैं जी रेवेन्यू बाय कंट्री। इसमें मैं ये बटन जो है इसको हाइड कर देता हूं, इसमें लेजेंड्स को मैं अनक्लिक कर देता हूं। उसके बाद अब अगर मैं इसमें एक्सेस टाइटल दूं तो यहां पे एक्स एक्सेस में मेरे पास क्या है मौजूद कंट्रीज हैं, वाई एक्सेस में मेरे पास रेवेन्यू है। इसको सेट करते हैं थोड़ा। अब अगर मैं इसका कलर या स्टाइल चेंज करना चाहूं तो ये ब्रश पे क्लिक करूंगा तो चार्ट स्टाइल आ जाएंगे मेरे पास। इसमें से इसका जो स्टाइल है वो चेंज करना चाहूं, अब ये स्टाइल हमने सिलेक्ट किया है बट अब यहाँ पे मैं डाटा लेबल्स को नहीं शो करना चाहता, तो प्लस के साइन पे क्लिक करके डाटा लेबल्स को अनक्लिक करता हूं तो मुझे ये जो इसका प्रीव्यू है वो कुछ कदरे बेहतर नजर आ रहा है। आप इन बार्स की जो कलर स्कीम है उसको भी चेंज कर सकते हैं, इन बार्स को कलर पे लाएंगे तो आप जो है कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास रेवेन्यू बाय कंट्री का चार्ट क्रिएट हो गया। मैं इसको रेवेन्यू बाय कंट्री का इस शीट को नाम देता हूं। अब हमने इस डेटा सेट के अगेंस्ट जो चार्ट्स क्रिएट किए हैं उन चार्ट्स को यूज करते हुए हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। उसके लिए एक न्यू वर्कशीट जो है उसको ओपन करते हैं। इस प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद न्यू वर्कशीट आ गई है। अब इस न्यू वर्कशीट को मैं डैशबोर्ड का नाम दे देता हूं। डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, व्यू मेन्यू में जाके आपने इसको ये ग्रिड लाइंस को जो शोज वाले टूल बार ग्रुप में है उस पर क्लिक करना है, तो आपके पास ये एक प्लेन पेज शो हो जाएगा। उसके बाद आपने इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आप क्रिएट करेंगे। इसमें लिखते हैं रेवेन्यू डैशबोर्ड ऑफ सेल्स। इसको सिलेक्ट करते हैं, मिड में लेके आते हैं और इसका फॉन्ट सेट करते हैं बोल्ड करके। इसको जो हम इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं, इसको हम डबल कोटेशंस जी रेवेन्यू डैशबोर्ड ऑफ सेल्स। हम वन बाय वन ये जो चार्ट्स क्रिएट किए हैं इनको कंट्रोल सी करके जो डैशबोर्ड वाली जो वर्कशीट है उस पर इसको पेस्ट करेंगे। इसको पेस्ट करके हम इसकी थोड़ी सेटिंग करेंगे। इसको भी कंट्रोल सी करके इस पर कंट्रोल वी कर लेंगे और इसको हम सेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट्स।
अब ये हमारे पास जो डैशबोर्ड क्रिएट हो गया है, ये इसमें हमने जितने भी रेवेन्यू बाय ईयर, रेवेन्यू बाय ईयर एंड रीजन जो है, रेवेन्यू बाय कॉस्ट एंड रीजन, रेवेन्यू बाय ऑर्डर प्रायोरिटी, रेवेन्यू बाय कंट्री, रेवेन्यू बाय आइटम्स के हवाले से जो भी चार्ट्स क्रिएट किए थे हमने, वो चार्ट्स जो हैं यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। अब अगर आप यहाँ पे स्लाइसर्स ऐड करना चाहते हैं कि आप जो उन पे फिल्टर लगाएं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चार्ट्स का डाटा शो हो जाए, तो उसके लिए आप पिवट चार्ट एनालाइज पे जाएंगे, तो यहाँ पे फिल्टर वाले टूल बार ग्रुप में इंसर्ट स्लाइसर है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंसर्ट स्लाइसर वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आप रीजन का, कंट्री का, आइटम टाइप, उसके बाद ऑर्डर प्रायोरिटी और टोटल रेवेन्यू जो है और ऑर्डर ईयर, इसके अगेंस्ट आप चेक करना चाहते हैं जो ये चार्ट्स हैं, इसको ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्लाइसर्स आ जाएंगे। आप इन स्लाइसर्स को फॉर्मेट कर लें यहां पे, इनको सेट कर लें। इनको फॉर्मेट करने के बाद यहां पे क्लिक करें और मल्टी सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहां पे रिपोर्ट कनेक्शन है, रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही क्लिक नजर आ रहा है। आपने इन सारी जो पिवट टेबल्स वाले चार्ट्स हैं इनको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके ये कनेक्ट हो जाएंगे सारे चार्ट्स। ये सारे के सारे स्लाइसर्स पे आपने यही काम करना है। अब ये आपके फिल्टर जो हैं वो सारे कनेक्ट हो गए हैं। अगर आप 2010 पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डेटा 2010 का शो होगा। अगर आप इसको क्लिक करने के बाद अगर आप रेवेन्यू के हवाले से किसी भी डाटा को देखना चाहेंगे तो रेवेन्यू के हवाले से आ जाएगा। ऑर्डर प्रायोरिटी के हवाले से क्लिक करेंगे तो ऑर्डर प्रायोरिटी के हवाले से चेक कर सकते हैं आप। आइटम टाइप पे क्लिक करके आप इसको चेक कर सकते हैं। कंट्री के हवाले से आप चेक कर सकते हैं और रीजन के हवाले से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप ये जो डैशबोर्ड है इसको और फॉर्मेट इसका चेंज कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, आप इसका यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लगा सकते हैं और भी जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हवाले से इस फॉर्मेट इसका चेंज कर सकते हैं। ये वो मेथड है जिसके ज़रिए से आप डैशबोर्ड जो है क्रिएट करते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है आपका मैनेजेरियल स्टाफ जो है इजीली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो कर सकता है।